नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल अनिल टेक विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला फोटोशॉप में कैरेक्टर एनिमेशन। चलो लाइक कैरेक्टर एनिमेशन के लिए कोई कैरेक्टर वगैरह हम डाउनलोड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करना है आपको और यहाँ पर सर्च करना है freepik.com, ठीक है। और freepik.com में यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हम वॉक साइकिल, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना है आपको, लाइक इसे ओपन कर लेते हैं हम। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में इसे पेस्ट करना कंट्रोल वी प्रेस करके, ठीक है। चलो इसी तरह हम एक ले लेते हैं वेक्टर रोड, इसे कॉपी किया, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब लाइक मैं चाहता हूँ ये न्यू लेयर पर रिडायरेक्ट हो जाए, तो क्या करना, माउस लेयर के ऊपर माउस के राइट बटन क्लिक करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। लाइक इसके थंबनेल्स के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये न्यू लेयर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा और न्यू लेयर पर रिडायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करना है आपको और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेते हैं हम, अब लाइक देखो ये जो बाउंड्री आ रहा है इसे हटाने का दो तरीका है, या फिर टिक के ऊपर क्लिक कर लो या फिर इंटरफेस कर दो, ये हट गया। मूव टूल कुछ भी करने के बाद कहाँ जाना है आपको, मूव टूल में जाना है, थोड़ा और क्रप कर लेते हैं, थोड़ा और क्रप कर लेते हैं। क्रॉप टूल का शॉर्टकट है सी, जैसे कीबोर्ड से आप सी प्रेस करोगे तो क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा और इसे ड्रैग करके ऐसे सेट कर दिए एंड टिक के ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है। इसी तरह यहाँ से कैरेक्टर को भी हम ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो साइज़ छोटा करने के लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी पर क्या होता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब लाइक ध्यान रखना ये टिक होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये रेशियो में प्रॉपर हाइट छोटा करोगे तो विड्थ भी छोटा होगा, विड्थ छोटा करोगे तो हाइट भी होगा, मतलब प्रोपोर्शनल में रहेगा, इमेज स्ट्रेस नहीं होगा, इसलिए इसे टिक करके रखना आपको और अंदर की तरफ ऐसे ड्रैग करना है, ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। पर देखो लाइक पीएनजी तो है नहीं, तो मैं जैसे पीएनजी बनाना है, तो पीएनजी बनाने के लिए क्या करना, पहले तो हमें बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक टूल्स है, इसके ऊपर माउस के राइट बटन क्लिक करना, मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल का काम क्या होता है, ये सिमिलर कलर को रिमूव करता है, जैसे कि अब ये वाइट कलर है, वाइट कलर को हमें रिमूव करना है तो इसके ऊपर ऐसे एक बार क्लिक करना, अब जितना भी वाइट कलर से मिला सारे को डिटेक्ट कर लिया। और डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करना है आपको, कीबोर्ड से डिलीट बटन, ठीक है। सिलेक्शन हटाने का शॉर्टकट होते है कंट्रोल डी, या फिर सिलेक्ट में जाना डी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मूव टूल में जाना आपको, ठीक है, तो ऐसे कुछ आ गया। अब इसमें से मुझे सिर्फ ऊपर वाला पार्ट चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए, ऊपर वाला आ जाए। तो यहाँ से एक टूल है, इसके ऊपर माउस के राइट बटन क्लिक करना है, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, और इसे सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। ये ऐसे कुछ आ गया हमारा कैरेक्टर वगैरह। चलो अब लाइक इसका साइज थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिया एंड इसे हटाने के लिए क्या करना, टिक के ऊपर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम इन करने के क्या है तरीका, अल्ट दबा के रखना और माउस से स्क्रॉल अप करना है, जैसे अल्ट स्क्रॉल अप करोगे तो जूम इन हो जाएगा, और जूम आउट का क्या तरीका, अल्ट के साथ स्क्रॉल डाउन करना आपको, ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। अब देखो ये जितना भी कैरेक्टर है सारे को एक अलग लेयर पर आपको ओपन करना है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे एक टूल्स है, लैसो टूल, लैसो टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। पर ध्यान रहे यही लेयर सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब लाइक मैं चाहता हूँ ये कट होके न्यू लेयर पर पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करना है आपको। क्या प्रेस करना है आपको? कंट्रोल शिफ्ट जे। देखो ये कट होके न्यू लेयर पर पेस्ट हो गया, ये देखो, ठीक है। इसी तरह इसे भी ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और कट कहाँ से करना है? ये वाला लेयर से, जहाँ पर सारे इमेज है। कंट्रोल शिफ्ट जे है, ऑफ कर लेते हैं ये लेयर सिलेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट जे है, इसे भी ऑफ कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जे है, कंट्रोल शिफ्ट जे है, ठीक है। इसे भी ऑफ कर लेते साथ में। अब देखो सारे लेयर कट होके न्यू लेयर पर पेस्ट हो गया। अब सारे को ओपन करके देखते हैं हम। ये देखो सारे ऐसे हैं, तो इसे थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। मूव टूल में जाना और इसे हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे। ये यहाँ सारा, ठीक है। और इसे यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लिया हमने। ऐसे सेट कर लिया, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, सारे लेयर को ऑफ करना है। जितना भी कैरेक्टर वाले लेयर है सारे को ऑफ करना है, ठीक है। एनिमेशन करने के लिए विंडो में जाना, टाइमलाइन के ऊपर क्लिक। अब जैसे टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा टाइमलाइन, है ना। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन शो कर रहा है, एक क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, दूसरा क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। तो आपको क्रिएट फ्रेम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लाइक क्लिक करते हैं तो ऐसे कुछ शो कर रहा है। इस लेयर पर एक दिखा देते हैं हम, जैसे कि इसे हमें ये दिखाना है, सॉरी ऊपर वाला दिखाना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा लेयर ले लेते हैं, सॉरी इसी तरह आपको दूसरा फ्रेम लेना है प्लस के ऊपर क्लिक करके, और इसमें दूसरा वाले लेयर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसे ऑफ कर लेते हैं। न्यू फ्रेम, इसे किया हाइड, इसे शो करा देते हैं। न्यू फ्रेम, इसे किया हाइड और इस पर इसे शो करा देते हैं। न्यू फ्रेम लेना है, हाइड ये लेयर शो। न्यू फ्रेम, इसे हाइड कर लेते और ये शो करा देते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया। अब देख लेते प्ले करके। प्ले करने के लिए क्या करना है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो जैसे क्लिक किया तो देखो ऐसे प्ले हो रहा है, ऐसे एनिमेट हो रहा है चीज़ें। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लाइक आपको लगता है कि टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही फास्ट है तो इसे स्लो भी कर सकते हो। कैसे? इसके ऊपर क्लिक करना और सारी के बारे में सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट दबाकर लास्ट वाले लेयर के ऊपर क्लिक, 0 सेकेंड के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर टाइमिंग बढ़ा सकते हो, 0.2 कर लेते हैं। देखते हैं प्ले करके, तो ऐसे कुछ शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर शो कर रहा है देखो फॉरएवर, फॉरएवर मतलब चलता ही रहेगा, वंस मतलब एक बार ही चलेगा ये चीज़ें। देखो एक बार चलेगा, इसे प्ले करके देख लेते हैं हम। एक बार चलेगा रुक जाएगा, ठीक है। थ्री टाइम मतलब 3 बार चलकर ये रुक जाएगा, 2, 3। देखो फॉरएवर रखने पर ये चलता ही रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर एनिमेशन बना सकते हो फोटोशॉप में इजीली,
ठीक है। अब लाइक देख लेते हैं हम सेव करने के तरीका, कैसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करना, फाइल में जाना आपको, सेव एज के ऊपर क्लिक, ठीक है। कहाँ पर जाना है, फाइल में जाकर सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, सेव ऑन योर कंप्यूटर, और इसे डेस्कटॉप में सेव करा लेते हैं। फॉर्मेट होना चाहिए इसका GIF, कैरेक्टर एनिमेशन, सेव के ऊपर क्लिक करना है, ओके। अब देख लेते हैं हम डबल क्लिक किया और देखो हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप फोटोशॉप में कैरेक्टर एनिमेशन बना सकते हो। अब इसी को दूसरे तरीका से भी दिखा सकते हो, जैसे कि सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट किया डिलीट, ठीक है हमने डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर लेते हैं ऐसा कुछ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सारे लेयर को ऑन कर लेना है, जितना भी कैरेक्टर वाले लेयर है सारे को आपको ऑन करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया और शिफ्ट के साथ ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक, ठीक है। यहाँ पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल अलाइन सारे एक जगह आ गया, और साथ में वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर लेते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ शो कर रहा है, ठीक है, इस फ्रेम पर ऐसे कुछ शो कर रहा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक न्यू फ्रेम लेना है, न्यू फ्रेम ले लिए, तो ऐसे कुछ आ गया। अब सारे लेयर को ऑफ कर लेते हैं, हम सारे को ऑफ कर लिए, ठीक है। अब एक एक करके इस पर दिखाना आपको हर एक फ्रेम पर, इसके ऊपर क्लिक किया ये शो हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा फ्रेम आपको ओपन करना है, इसे ऑफ किया इसे ऑन, न्यू फ्रेम इसे ऑफ किए इसे ऑन, हर बार न्यू फ्रेम लेकर आपको लेयर को चेंजेस करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आ गए, देख लेते प्ले करके। तो देखो दोस्तों ऐसे कुछ आ गए। अब इसे सेव करने की सेम तरीका वही है जिससे पहले हमने किए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।